माय डियर कैंडिडेट, बहुत खुशी है इस बात को शेयर करते हुए कि जब आप एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लगातार एक अप्रोच के साथ बढ़ रहे होते हैं कि लोगों का हित हो, लोगों की जॉब एक अच्छी लगे, और आप बड़ी ईमानदारी के साथ में लोगों को भी आप जानकारी सही दे रहे होते हैं और लोगों को रिकग्निशन भी मिल रहा होता है, ज्वाइनिंग्स भी आ रही होती हैं, तो अपने आप में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। आप अगर वर्क कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ करा रहे हैं और ज्वाइनिंग का रेट अगर नहीं आता है तो मन भी खुश नहीं होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है, बट एफर्ट्स करने होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, अब उस बात की भी बहुत खुशी आपको शेयर करते हो रहा है कि आज कंपनीज नंबर ढूंढ लेती हैं, नंबर निकाल लेती हैं कि इनके पास कुछ कैंडिडेट्स हमको सही मिल जाएंगे और ये एक एनालिसिस करके भेजेंगे। खुशी तो तब और भी बढ़ी जब ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कुछ कंपनी जिनके ऑफिसेज NCR रीजन में थे, जापान बेस्ड कंपनी जिनके ऑफिसेज रिसेप्शन NCR रीजन में थे, बहुत खुशी हुई जब उनके में बात करी तो मुझे लग रहा था कि इनसे बात करने में मुझे मैसेज जब मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था इनसे मैं बात करूं तो जापानीज में बात करना पड़ेगा, वो मुझे आती नहीं है। पर अच्छा ये लगा कि वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो हिंदी भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे और कम्फर्टेबली उन्होंने दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बात करी और इंग्लिश में भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। खुशी तो मिलती है इस बात की, जबकि हम लोग कभी भी कंपनीज को लेकर के बहुत पैनिक नहीं हुए। ये ज़रूर पैनिकनेस आया कि कंपनी की प्रोफाइल समझ लें आपको बताने के लिए, कुछ कैंडिडेट को उस प्रोफाइल के लिए रेडी कर लें, ये समझ में बात आई। हमारे यहाँ जो वर्किंग लोग कर रहे हैं उनसे आपकी मीटिंग करा करके उस प्रोफाइल को अपग्रेड करा लें, ये एक सोच रही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिले, ये एक अप्रोच के साथ में ज़रूर आगे बढ़ते रहे। बहुत लोगों ने इस बात के लिए भी कहा कि आप अपनी ब्रांचेस को और ओपन करिए, और सिटी पर जाइए, हर जगह पर जाइए, आप और अपने ब्रांचेस भी ओपन करिए, एक्सपेंड करिए। अब वो मन नहीं रहा। जो लोग हमारे पास में ज्वाइनिंग के लिए आते हैं उनके लिए अगर ईमानदारी से काम करिए, ऑनेस्टली काम करिए, समय सीमा कम होती है। ब्रांचेस ओपन करने का मतलब किसी के हैंड में देना, और वो उतना उन कैंडिडेट्स के लिए, हमारे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग खुद उसमें जुड़े हुए हैं, डेडिकेटेड लोग जुड़े हुए हैं जो पूरी तरीके से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के बाद में उनको ऐसा लगता है कि कुछ आज हमने अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोग आज चैरिटी का काम बहुत जगह करते हैं। यहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती है, कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग्स होती हैं और उसके बाद में जब वो खुश होकर के आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए जो काम, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं चैरिटी के, उससे बढ़ करके भी काम हुआ है। तो एक सही तरीके से काम जब किया जाता है तो कंपनीज भी आपको अप्रोच करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, कैंडिडेट्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट को हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को कम टाइम दे पाते हैं, कुछ कैंडिडेट से अच्छी बात हो जाती है, कभी कभी कुछ कैंडिडेट को अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं टाइम की कमी की वजह से। उसकी वजह से भी सब लोग पूरी तरीके से समझ सब कुछ नहीं पाते होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा समझेंगे। कुछ समय ऐसा भी होता है किसी वीक में कुछ कैंडिडेट ने जब कॉल किया तो उस टाइम पे जो कंपनीज होंगी कुछ दूसरे कैंडिडेट चले गए, लेकिन जब उनको वो एक्सपीरियंस होगा कि हम नहीं जा पाए इन कंपनीज़ में या उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो कुछ के साथ में कुछ कड़वे अनुभव जुड़े होते हैं, कुछ के साथ में बहुत अच्छे अनुभव जुड़े होते हैं। इन सब का मिक्स ले करके एक संस्था चलती है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मैंने सबको संतुष्ट कर दिया, सबको सेटिस्फाइड कर दिया, और ये अपने एक व्यक्ति के अंदर में क्षमता है भी नहीं और ऐसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हर वीक में सीख रहे हैं और हर वीक में कंपनीज़ का लेवल बढ़ रहा है, प्रोफाइल्स का लेवल बढ़ रहा है। बहुत मुझे उम्मीद है कि एक दिन सारे इंस्टीट्यूशन इस बात को समझेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझेंगे। हमें सिर्फ कुछ कोर्स डिज़ाइन करके पढ़ाने नहीं हैं, हमें अर्निंग कराते हुए, काम कराते हुए, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंडिडेट को रेडी करना है। जो कंपनियां जॉब के लिए जिस कैंडिडेट्स को मांग रही हैं कि हमें ये कैंडिडेट में चाहिए, उसमें हम क्या चीज़ ऐड करें, कौन सी चीज़ कैसे मैनिपुलेट करें, कौन सा प्रेजेंटेशन कैसे रखें कि वो झूठ भी ना हो और सच्ची सच दिखाई दे, ऐसा कैसे कर सकते हैं और उन प्रोफाइल को कैसे कर सकते हैं, इसकी भी एक आर्ट है। माय डियर कैंडिडेट, बहुत विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस बात को मैं आपसे कहूँगा, वो कला जब कैंडिडेट को एक अच्छी प्रोफाइल भेजी जा सके, जो एवरेज प्रोफाइल है, जो एक नॉर्मल बंदा है,
उसको कई इंटरव्यूज़ करा करके, कंपनी में जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ ऐड करके, निश्चित रूप से ये किया जा सकता है और ये किया गया है। और ऐसे कैंडिडेट को हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट की अगर एक प्लानिंग के साथ में, प्रिपरेशन के साथ में, सीनियर जूनियर सारे कैंडिडेट्स को अगर हम लोग काम करते हैं तो उनके पास में एक अच्छे पैकेजेस आते हैं। इस वीक का सैटरडे भी आने के करीब आ गया है। हर फ्राइडे हर सैटरडे एक हम लोग के लिए फेस्टिवल की तरह होता है। वैसे तो हर दिन अभी हो गया है पूरे वीक में, क्योंकि अब सारी कंपनियों को सैटरडे वाले दिन एक साथ बुलाया नहीं जा सकता है, सारे कैंडिडेट आ नहीं सकते हैं उस दिन। जो जो कैंडिडेट आते हैं, कुछ कैंडिडेट में कंपनीज़ में ही भेजना अच्छा रहता है कि वहाँ पर ट्रायल वगैरह भी हो जाता है। तो अब हर दिन हम लोगों ने एक इस तरीके से मना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट डे इसलिए होता है क्योंकि फ्राइडे सारी कंपनीज़ रिस्पॉन्ड करती हैं, रिक्वायरमेंट भेजती हैं, और वीक में कम से कम एक दिन लेखा जोखा आता है कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, कौन सी कंपनीज में भेज सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आया है। आज अदर स्टेट से भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं। उन लोगों को हम लोग इसलिए भी नहीं कह पाते हैं, कोई कैंडिडेट आएगा एकदम से बड़ी उम्मीद करके आएगा। कानपुर लखनऊ के लोगों को हम लोगों ने ज़्यादा बताया है, कानपुर बेस में अगर कोई बाहर का उसका रेफरेंस है वो यहाँ रुक सकता है, कोई उसका रिश्तेदार है फ्रेंड है तो उसके लिए भी आसान हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा एकदम से उसी दिन आए और उसी दिन बोले हमें जॉब भी लग जाए, इंटरव्यू भी हो जाए, ज्वाइनिंग्स भी आ जाए, तो एकदम जादू की छड़ी कोई चला नहीं सकता है। और ये संस्था एक कंसल्टेंसी नहीं है, हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हम कैंडिडेट्स की प्रोफाइल कंपनी की रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए, मेकिंग करते हुए उसको रेडी करके भेज रहे हैं जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। आज एचआर में 60,000 का एक पैकेज आया है, 40 to 60,000 का पैकेज है। अगर आप प्रोफेशनली स्पेशलिस्ट हम कहिए, अगर एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल है आपकी, तो आपका पैकेज बहुत अच्छा आ सकता है। स्पेशली अगर आपने इस पर्टिकुलर इसी तरह की कंपनीज़ में आपने काम किया, टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आप एचआर रिक्रूटर रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग को कराया जा सकता है इमीडिएटली। कभी कभी मैंने देखा कुछ कंपनीज़ जो ऐसी होती हैं जिनमें उसी इंडस्ट्री, जिस तरह की इंडस्ट्री है उसी तरह की इंडस्ट्री के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। हंस एनर्जी में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है जिसमें हम लोग उस कैंडिडेट को इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए उनके हिसाब से क्या चाहिए एक प्रिपेयर करके उनके पैकेजेस में वर्क कर सकते हैं। नैरो लेक में कल मैंने आपको बताया था जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैनेजर 3 lakh to 8 lakh का पैकेज है, कानपुर अमृतसर और विशाखापट्टनम तीन एरियाज़ के लिए। आज अशोक मसाले में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर की मैकेनिकल के की रिक्वायरमेंट अर्जेंट आई है, उसमें आज ज्वाइनिंग का है। स्टोर एग्जीक्यूटिव कपिला में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो स्टोर में ज्वाइन करना चाहते हों रनिया प्लांट में, वहाँ पे है। हिंडालको में कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएटली ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट अगर हैं आप, 3 lakh to 4 lakh का पैकेज चाहते हैं तो 30 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। फीमेल जूनियर अकाउंटेंट और परचेज एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट तिरंगा में अर्जेंट है। गाजियाबाद लोकेशन में सैप कम बिलिंग ऑपरेटर लोडिंग अनलोडिंग डिस्पैच सुपरवाइजर का सोनलाल लॉजिस्टिक में रिक्वायरमेंट है। अशोक नीलैंड में फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम कीपिंग एंड सैलरी मेकिंग के लिए, पनकी में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पेरोल के लिए। श्यामा सैम फैब्रिक में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। होंडा कार्स में MIS एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप में इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बीटेक एमबीए ग्रेजुएट सेल्स पर्सन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस में इनके यहाँ बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है, दोनों में लखनऊ बेस्ड कंपनी है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज नमकीन इंडस्ट्री का चाहिए। MKU लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन 3 lakh to 5 lakh की रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रही है। सेल्जर में सीनियर एग्जीक्यूटिव QC R&D 2 lakh to 3.5 lakh का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लखनऊ गोरखपुर कानपुर बेंगलोर में PNC इंफ्राटेक में अर्जेंट रिक्वायरमेंट स्टोर मैनेजर 4 lakh to 6 lakh है। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO सेक्टर सेल्स एडवाइजर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स जिनके पास भी है उनके लिए रतन हाउसिंग अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसमें है। राधिका प्रिंट में सीनियर अकाउंटेंट प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट रूमा में है। TPI अंडर कैरियज में यंग एंड डायनेमिक इम्पोर्ट परचेज मैनेजर
बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर, ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रिसीजन में जिन्होंने टेंडर टेंडर का जिन एमएस ऑफिस और लाइन टेंडर अपलोड टैली और बिजी में काम किया हो उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जेंट चाहिए। एमएलए में अर्जेंट रिक्वायरमेंट डिजिटल मार्केटिंग के बंदों की है, जो 50 तक का पैकेज है, 50 पैकेज आ सकता है। स्मार्ट किसान में बीटेक बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट सेल्स प्रोफाइल के लिए चाहिए। वेदर रिस्क में पीएचपी डॉट नेट डेवलपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रहमान इंडस्ट्री में टेनरी हेड विद एक्सपीरियंस 1 लाख का पैकेज, फीमेल 50 तक का पैकेज इसमें। अकाउंट एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्रियल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पम में मार्केटिंग मैनेजर, मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और मुंबई में, पुणे और नोएडा में जो ट्रेटरी मैनेजर सेल्स मैनेजर कानपुर बेस्ड ही आपको रहना है, बट आपको इन एरियाज़ को 80,000 तक के सेल्स मैनेजर और ट्रेटरी मैनेजर की प्रोफाइल में देखना है। सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद में रोटोमेक पम में 35,000 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। संगम ट्रेवल में 1 पर्सन फॉर मार्केटिंग हु कैन डील और आरटीओ और गुड स्पोकन टू ऑफिसर, 1 एडमिन फॉर स्टाफ हैंडलिंग, ये प्रोफाइल कॉमन जनरल सब लोग दे सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट एसके ब्रेकर में चाहिए। योर फार्मा में कानपुर देहात लखनऊ कानपुर के लिए एरिया सेल्स मैनेजर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट टैली के लिए सुरेंद्रा सारी में चाहिए। रोटोमैक सिस्टम में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर पीए टू डायरेक्टर 4 लाख to 8 लाख। फीमेल सीआरएम कम एमआई एग्जीक्यूटिव फॉर उन्नाव लोकेशन के लिए चाहिए। एमकेयू में एचआर एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम ऑफिस वेजेस के लिए अर्जेंट चाहिए। अजंता केमिकल्स में रिटायर्ड ऑफिस सुपरवाइजर फॉर मल्टीपल ऑफिस वर्क के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट सुपरवाइजर के लिए रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में लैब केमिस्ट सैप ऑपरेटर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बिस्किट फैक्ट्री में जिन्होंने काम किया हो। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट टैली एमएस ऑफिस के लिए चाहिए। मार्केटिंग पर्सन B2B मार्केटिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया हो। थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव टैली एमएस ऑफिस के लिए जिन्होंने काम किया हो। लेदर पैकेजिंग में मिर्जा में रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में आगरा, मथुरा, फरकाबाद, एटा, मथुरा, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर हरदोई शायद फिलअप हो गया है। स्मार्ट बोर्ड फ्रेशर सेल्स एग्जीक्यूटिव RSM SM TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट 2 लाख से 12 लाख है। हैवेल्स वेयर हाउस में देहरादून में वेयर हाउस मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू मैनेज होल वेयर हाउस लॉजिंग फैसिलिटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पम्प में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट शुड बी सॉफ्ट स्पोकन। केन फूड में लैब केमिस्ट सैप ऑपरेटर प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस PLC स्काडा मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तेजसना में मेल फीमेल अकाउंटेंट विद GST नॉलेज का जिनको चाहिए। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री फैक्ट्री मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेल्टा मिल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर। VK पैकबेल में MBHR रिक्रूटर की प्रोफाइल है। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में ड्राफ्टमैन, ऑटोकैड में जिन्होंने काम किया उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हिना फूड में सुपरवाइजर फूडिंग लॉजिंग साथ में है, रनिया में है। इंडकोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर चाहिए। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर कंप्यूटर ऑपरेटर ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल पैकेजिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आई डिज़ाइन स्टूडियो में सिविल सुपरवाइजर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। कृति टेक में सिविल इंजीनियर की 35 के पैकेज की रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रही है, इंटरव्यूज इसमें हो रहे हैं। MySem में सीमेंट में MBA सेल्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सेल्स पर्सन में पॉलीमर मार्केटिंग में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें टाटा मोटर्स की एक रिक्वायरमेंट है और उनको सीनियर अकाउंटेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी चाहिए। नियॉन सारेउ सेंजुकी यही जापान बेस्ड कंपनी है, जिसके बारे में कल और डिटेल में आपको बताऊंगा फ्राइडे को। दिल्ली NCR में इनको मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। और आदिनाथ UV पैक लिमिटेड में न्यू दिल्ली सोनीपत दिल्ली NCR के लिए सीनियर प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन इंजीनियर 8 लाख तक पैकेज के लिए चाहिए।
ये एक जापान बेस्ड कंपनी है और एक ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। चूँकि मोल्ड डिज़ाइनिंग की कम कंपनियाँ यहाँ पे थी, कुछ कैंडिडेट थे, तो उनके लिए ये स्पेशली अलग से उनकी कॉल्स भी आई, उनके लिए काम भी हुआ और उनकी एक शेयरिंग हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो अकाउंट मोल्ड डिज़ाइनिंग के, इसमें कुछ कैंडिडेट्स फाइनलाइज किए जा सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी प्रोफाइल्स आ जाती हैं जिनमें कानपुर में जब हमें लग जाता है कि यहाँ पैकेजेस 70 क्रॉस नहीं होगा, इनमें एक दो इंडस्ट्री हैं, इनको चाहिए भी ज़्यादा नहीं किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, तो हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करते हैं उनको और अच्छी जगह पे लाया जा सके। लेकिन उसके पहले जा उनको वहाँ पे इंटरव्यू कराएं, उसके पहले उनका टेलीफोनिक राउंड हो गया हो, फाइनलाइजेशन के करीब हो गया हो, नहीं तो दिल्ली एनसीआर रीजन में घूमते रह जाएंगे और उनका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी होगा। माय डियर कैंडिडेट, एक सही कोशिश सही तरीके से और आपके अच्छे के लिए जब सोच के की जाती है तो काम का तरीका मेथड बिल्कुल बदला हुआ होता है। और मैं इसीलिए सब लोगों से एक बात को कहूँगा, प्लीज़ अब बदलिए, समय आ गया एक बदलाव का। सिर्फ कोर्सेज, सिर्फ कुछ कोर्स के कुरिकुलम से आपके कुछ होने वाला है नहीं। बहुत आसान तरीका है कंपनी में काम करते, वर्किंग करते, प्रोफाइल चेंज करते, पैकेजेस को लाने का। इतना छोटा अपनी सिटी को मत समझिए, कानपुर लखनऊ को। शायद ये बहुत लोगों के पेरेंट्स को भी बच्चे का अपनापन दे रहा है, साथ साथ में पैकेज भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक सही सोच और सही नॉलेज की ज़रूरत है, सही जानकारियों की ज़रूरत है और शायद वो काम किया जा रहा है। शुरुआत आपको करनी है, बढ़ना आपको है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई श्योर जॉब .com। थैंक यू।